नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आज झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री परिषद का विस्तार होगा, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन शिष्य अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सर्वस्व दान करने का वचन देते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रस्तावित अध्यादेश की कापियां जलाने की घोषणा को वापस ले लिया है। बता दें कि आज 3 जुलाई को आम आदमी पार्टी दफ्तर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश की कापियां जलाने की घोषणा की थी। आज सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग की मांग की गई है, जहाँ अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने यह याचिका दाखिल की थी। उत्तर प्रदेश में डाक सेवा के नए भवन की शुरुआत पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम की वजह से आज डिजिटल क्रांति से जुड़ गया है डाक विभाग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का इंतजार मैं कब से कर रहा हूँ, और जैसे ही आपका लाइक आता है हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी पर नई बहस छिड़ गई है, जहां लॉ कमीशन ने इस पर लोगों से 15 जुलाई तक राय मांगी है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस और डीएमके सहित तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने इसका सपोर्ट किया है। इस बीच कानून और न्याय की संसदीय समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर आज बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी की सरकार में शामिल होने के बाद दावा किया कि असली राकपा उनके साथ है। वहीं शरद पवार चेतावनी दे रहे हैं कि बागियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसे लेकर आज शरद पवार ने बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि संगठन में अजीत पवार के पास कितनी ताकत है, क्योंकि पहले भी एक बार वे फेल हो चुके हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सचिन पायलट के किस्मत का फैसला हो सकता है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बैठक में बुलाया है। वहीं इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी, जहां सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन होना है। हिमाचल प्रदेश के सत्यदेवानंद सरस्वती ने बराक ओबामा को पत्र लिखकर भारत आकर सत्य का अवलोकन करने का निमंत्रण दिया है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बयान दिया था कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बालटाल में LG मनोज सिन्हा ने किया अमरनाथ यात्रा का निरीक्षण, श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा। महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई है, जहां अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे उन पर CBI ED की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया है, शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी। गुजरात के जूनागढ़ जिले के कसौद में 2 लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक भारी बारिश के बीच कुछ देर में ही बाढ़ जैसी हालत हो गई, जिसके बाद दोनों ने खुद को बचाने के लिए बिजली के खंभे का सहारा लिया। वहीं काफी देर बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों को निकाला गया। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी सत्ताधारी पार्टी जदयू में बड़ी टूट की संभावना है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घबराहट में अपने विधायकों और संसद की एक बैठक बुलाई। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और लंगर हाल में बर्तन धोकर सेवा की। 2024 के चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा दावा, अगले 6 महीने में 3,000 रुपए कर देंगे बुजुर्गों का पेंशन।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की। यहाँ उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की बड़ी मुश्किलें। यहाँ अब NIA के बाद ED भी करेगी पूछताछ। केंद्रीय मंत्रियों के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने दिया जवाब। यहाँ मतांतरण का बिल क्यों लागू नहीं करवाई थी भाजपा। प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया है कि महेश्वर में अहिल्या देवी लोक इंदौर में स्मारक और बोर्ड का गठन करेगी सरकार। राजस्थान सरकार को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कन्हैया लाल मामले के आरोपियों को सजा हो, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा होने पर इनका वोट बैंक गड़बड़ा जाता है। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जनपद के ब्लॉक पनवारी के अंतर्गत नारा के जंगलों में वन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हाथ में पेड़ लेकर एक वन इंस्पेक्टर RK यादव ने भारत माता की जय बोलकर नारे लगाते हुए द्वारे द्वारे नगरी नगरी वृक्ष लगाओ न्यारी न्यारी न्यारे न्यारे रैली निकाला। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज पर लाइक और कमेंट किया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वे भी प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।